कोपेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम लोग पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे गूगल पे से हो, फोन पे से, जो भी हो। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद वो पैसा फ्रॉड हो जाते हैं, सामान नहीं मिलते। वो पैसा को आप कैसे बैंक में वापस लाओगे, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा आप लोग को। क्रोम ब्राउज़र में जाना, क्रोम ब्राउज़र में जाके NPCI लिख के सर्च ऑप्शन में क्लिक करना, गेट इन टच ऑप्शन में क्लिक करना। करने के बाद कंप्लेन वो क्लिक करना। करने के बाद थोड़ा नीचे आके UPI कंप्लेन में क्लिक करना। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके कंप्लेन नीचे जो ट्रांजेक्शन को क्लिक करना। करने के बाद सिलेक्ट नीचे वाला ट्रांजेक्शन, सिलेक्ट इशू टाइप, आपका कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है इधर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इधर आपका कंप्लेन टाइपिंग करना। उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी आपको कहाँ मिलेगा, आप फोन पे से यदि आप ट्रांजेक्शन किया है तो फोन पे को लॉगिन कर लेना है। करने के बाद थोड़ा कोना नीचे जाके कोना में देखना हिस्ट्री करके लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके जो पेमेंट जिसको पेमेंट किया उसके ऊपर क्लिक करके ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी कर लेना है। करने के बाद इधर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको बैंक, कौन सा बैंक आपका फोन पे में जो बैंक सिलेक्ट है उसका बैंक का नाम डाल देना है, जो बैंक से आपको पैसा कटा है, और UPI आईडी दे देना है, एवं आपका कितना अमाउंट गया है वो अमाउंट लिख देना है, एवं ट्रांजेक्शन डेट, ईमेल आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाके चूज फाइल ऑप्शन में क्लिक करना। क्लिक करके आपका जो बैंक जिसमें पैसा कटा है वो बैंक का स्टेटमेंट पहले से डाउनलोड करके रखना। रखने के बाद अपना चूज फाइल को क्लिक करके आपका जो डाउनलोड जो डिफॉल्ट है तो उसको इधर डाल देना है। करने के बाद सबमिट कर देना, साथ में अंदर आपका पैसा।